आप लोगों को हमारे पीछे जो खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, ये है मुगल गार्डन, जो राष्ट्रपति भवन के परिसर में स्थित है। देखने में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। स्वागत करती हूँ अपने चैनल एयू ग्लू ब्लॉग में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं इस समय हूँ मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन दिल्ली में। आप लोग टिकट ऑनलाइन या यहाँ आकर ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं। एंट्री गेट नंबर 35 से होती है। आप लोग देख सकते हैं हम एंट्री कर चुके हैं। इसमें कुल 38 गेट हैं। पूरा राष्ट्रपति भवन 13 एकड़ में फैला हुआ है। 31 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक आम जनता के लिए मुगल गार्डन को ओपन कर दिया गया है। यह साल में सिर्फ एक या डेढ़ महीने तक ही ओपन होता है। अब आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा होगा, जो कि साल भर में एक या डेढ़ महीने ही आम जनता के लिए ओपन होता है। खाने पीने की चीज़ें, कैमरा, एयरफोन, बर्ड्स जैसी चीज़ें लाना अंदर अलाउ नहीं है। आप पानी की बाटल और अगर साथ में छोटे बच्चे हैं तो दूध की बाटल ला सकते हैं। मुगल गार्डन का नाम बदलकर इस समय अमृत उद्यान कर दिया गया है। यहाँ पर कई तरह के गार्डन हैं। यह है औषधीय वनस्पति उद्यान। यहाँ पर कई तरह की औषधियाँ और फूल भी हैं, जिसके साथ QR कोड लगे हुए हैं। QR कोड को स्कैन करके हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह है बोनसाई गार्डन। यहाँ पर सभी पौधों के साथ उनके नाम भी दिए गए हैं। यह है राष्ट्रपति भवन म्यूजिकल गार्डन। यहाँ पर फुहारों के साथ संगीत भी बज रही है। इधर ऑरेंज के पेड़ भी लगे हुए हैं, देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये गोलाकार गेट देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।
ये है मुगल गार्डन। इसको अंग्रेजों ने मुगलों की पसंद के आधार पर बनाया था। मुगल इसी तरह से बागों को नहरों द्वारा कई भागों में बांट दिया करते थे, इसलिए इसका नाम मुगल गार्डन रखा गया था। अब इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। इसके सामने राष्ट्रपति भवन है। देखने में कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और सामने जो फुहारा निकल रहा है वो भी देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये है कैक्टस। यहाँ पे आपको कई तरह के गुलाब के फूल देखने को मिल जाएंगे। ये है एग्जिट गेट, यहाँ से हम एग्जिट करेंगे। हम आ गए हैं अब दूसरे भाग में। दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।